एबी9 टीवी में आपका स्वागत है। हर खबर पर पहली नजर। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत की थी, जिससे लोगों को जेनेरिक दवा मुफ्त मिल जाए और दवा के अभाव में किसी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़े। लेकिन अब यह योजना नशेड़ियों के लिए अधिक लाभकारी साबित हो रही है। महज 10 रुपए की पर्ची पर इन्हें नशा करने के लिए दवाइयां मिल रही है। जो दवाइयां लोगों की जान बचाती है, उन्हीं दवाइयों को यह नशे के आदि लोग अपने नशे के लिए उपयोग कर रहे हैं। चिकित्सकों की मजबूरी यह है कि उन्हें पर्ची लेकर आने वाले मरीज के दवाइयां लिखनी पड़ती है। क्या है मामला, देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। वही अस्पताल में उपलब्ध 400 से अधिक दवाइयों की श्रेणी में मुफ्त मिलती है, जो नशे के आदि लोगों के लिए उपयोग में आती है। किस तरह नशेड़ी इन दवाओं को हासिल करते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अनिद्रा, दर्द और मानसिक अवसाद के लिए अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, क्लोनजेपाम, डायजेपाम ऐसी दवाइयां हैं जो रोगी को न्यूनतम 10 दिनों के लिए देनी पड़ती है। चिकित्सकों का मानना है कि इन दवाओं को नशे के आदि लोग अपने नशे में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पर्ची लेकर आने वाले मरीज को दवा लिखने से चिकित्सक भी मना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए काम आने वाली यह दवाइयां नशेड़ियों के लिए नशे का जरिया बनी हुई है, जो महज 10 रुपए की पर्ची में उन्हें आसानी से उपलब्ध हो रही है। राजेश कुमार स्वामी, मनोचिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय ने हमारे संवाददाता से बात है। के आदि लोग किस प्रकार की दवाई का उपयोग कर रहे हैं और क्या मजबूरी है चिकित्सकों की, जो उन्हें ये दवाइयाँ लिखनी पड़ती है? नशे के आदि लोग क्या है कि जैसे नशीली दवाइयाँ उनको नहीं मिलती है, उसके लिए वो ट्रामाडोल और जो एल्प्राजोलाम है उनका सबसे उपयोग करते हैं, जो कि नहीं ले आती है, तो यहाँ से लिखवा के ले जाते हैं। सर, चिकित्सकों को ये दवाइयाँ लिखनी पड़ती है, क्या मजबूरी है? लिखने मतलब जब मरीज ओपीडी में आता है तो उसको लिखना ही पड़ता है, क्या करें, नहीं लिखे तो फिर वो वैसे मरीज परेशान करते हैं। कम से कम एक पता भी 10 दिन की दवाई तो लिखनी पड़ती है उसको, और मरीज क्या है अलग अलग डॉक्टर से लिखवा लेता है तो पता नहीं चलता कि कमरे में लिखवा लिया, दूसरे में लिखवा लिया।